लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। देश की सत्ता पर सबसे ज्यादा समय काबिज रहने वाली कांग्रेस की अब ऐसी हालत है कि वो अभी बिना कमान के है, क्योंकि राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं और राहुल के साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी अपने अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसका असर पार्टी की कार्यप्रणाली पर दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने सेवा दल के मासिक खर्च में कटौती की है और पार्टी अब कांग्रेस सेवा दल को 2.5 लाख की जगह 2 लाख रुपए महीना दे रही है। साथ ही पार्टी ने महिला कांग्रेस, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया और यूथ कांग्रेस के खर्चों में भी कटौती करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस मुख्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों को हार के बाद अब तक वेतन नहीं मिला है। वहीं सिर्फ कांग्रेस संगठन के कर्मचारियों को वक्त पर तनख्वाह मिली है। साथ ही पार्टी के सोशल मीडिया विभाग के 55 कर्मचारियों में अब महज 35 कर्मचारी ही बचे हैं और इन बचे कर्मचारियों को भी देर से तनख्वाह मिली है। आपको बता दें कि CWUC की बैठक के लिए आने वाले दिनों में एक तारीख तय की जाएगी, जिसमें पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष पद संभालने का फैसला होगा। नेतृत्व संकट के बीच कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ सदस्यों ने UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी से अस्थायी रूप से पद संभालने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अनुरोध ठुकरा दिया। फिलहाल कार्यवाहक अध्यक्ष पद के लिए कई नेताओं के नाम आगे चल रहे हैं। इनमें मुकुल वासनिक, मल्लिका अर्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुशील कुमार शिंदे शामिल हैं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।